तो आज की कहानी है दो व्यक्तियों की, दो ऐसे व्यक्ति, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, देखो यहां पर हमने बना दिया इनको, दो व्यक्ति हैं ए और बी, इन दोनों के बीच में एक कॉम्पिटिशन है, ठीक है। आज की कहानी इन्हीं दो व्यक्तियों की, और अगर आप ये कहानी समझ गए तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनिए। ये कहानी इन दोनों व्यक्तियों के बीच में, इन दोनों के पास क्या है, एक कंपटीशन है, इन दोनों का एक कंपटीशन है। इनको एक टारगेट दिया गया है दोनों को, एक वृक्ष, ठीक है, एक पेड़ है, दोनों को कहा गया है काटने के लिए, दोनों को एक पेड़ काटने के लिए एक टारगेट दिया गया है कि कौन पहले पेड़ को काट पाएगा, ठीक है। दोनों को दी गई है एक एक कुल्हाड़ी, दोनों को क्या दी गई है, एक एक कुल्हाड़ी, और दोनों के पास कितना समय है, एक घंटे का समय है, ठीक है, दोनों के पास एक घंटे का समय है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक कहानी, अगर इसको आपने समझ लिया तो ये आपके पूरे जीवन में हमेशा बहुत बड़ा बदलाव लाएगी और बहुत काम आने वाली कहानी है, है ना। तो बहुत कुछ आप इस कहानी से सीखने वाले हैं, बिल्कुल अंत तक इस कहानी को सुनिए और कमेंट में बताइए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा, ठीक है। तो इन दोनों के पास है कुल्हाड़ी, समय इनका एक घंटा है, इनको टारगेट मिला है इस पेड़ को काटने का, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक कंडीशन भी लागू कर दी गई, इसमें कंडीशन क्या लगा दी गई है, एक थोड़ा सा नियम भी इसमें लगा दिया गया है, ये जो कुल्हाड़ी है इसी एक घंटे में हमें क्या करना है, इसमें धार भी लगाना है और एक घंटे में पेड़ भी काटना है, ठीक है, ये नियम है, एक घंटे में ही हमें धार लगाना, कुल्हाड़ी में धार नहीं लगी है, कुल्हाड़ी में धार भी लगाना है और एक घंटे में पेड़ भी काटना है। तो जो ये वाला व्यक्ति था, इसने क्या किया, इसने चालाकी दिखाई, और चालाकी दिखाने से क्या किया, एक घंटे में इसने क्या किया, 10 मिनट में, ठीक है, 10 मिनट में धार लगाई, 10 मिनट में धार लगा ली और पेड़ को काटना चालू कर दिया, इसलिए काटना चालू कर दिया कि मैं उससे आगे निकल जाऊँ, और बढ़िया जल्द 10 मिनट में ही धार लगाई और पूरा पेड़ को चालू हो गया काटने के लिए, ठीक है। काफ़ी देर हो गई पेड़ काटते काटते, यानी कि उसने पेड़ काटना चालू कर दिया, 10 मिनट में उसकी धार लग गई थी, आधे घंटे और लग गए उसको पेड़ काटने में, उसका पेड़ आधा कटा हुआ था, ठीक है, यानी कि 40 मिनट पूरे लग चुके थे। और जो दूसरा वाला व्यक्ति था ये अभी धार ही लगा रहा था, और जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे के ऊपर हंस रहा था कि देखो इतनी देर हो गई, हमने आधा पेड़ काट लिया, तुम्हारी अभी धार ही लग रही है ना। दूसरा आदमी क्या कर रहा था, धार लगा रहा था। ये जो आदमी था इसने 40 मिनट, इसने क्या किया, 40 मिनट तक केवल धार लगाई, और जब कुल्हाड़ी की धार अच्छी लग गई तब इसने पेड़ को काटना चालू किया। अब जो पहला व्यक्ति था उसकी धार, कुल्हाड़ी की धार सही नहीं थी, उसने आधे घंटे में, यानी कि 40 मिनट था, 10 मिनट तो उसने धार लगाई थी, बाकी के 30 मिनट में उसने क्या किया, आधा पेड़ काट पाया था, ठीक है, यानी कि आधा पेड़ काटने में उसको 30 मिनट लग गए थे। क्यों लग गए थे, क्योंकि उसकी धार सही से नहीं लगी थी, थक भी गया था, वो आधा पेड़ काट पाया था, बाकी का जो आधा पेड़ है उसको काटने में उसको 40 मिनट लग जाएंगे, क्यों लग जाएंगे, थक भी गया है ना, धार भी नहीं है। दूसरा जो व्यक्ति था जिसने 40 मिनट तक केवल धार लगाई, ठीक है, धार लगाने के बाद उसने 10 मिनट में पेड़ को काट दिया, 10 मिनट उसके बच भी गए। तो यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिलता है कि सबसे पहले हमें तैयारी करना है, रणनीति बनाना है, रणनीति बहुत ज़रूरी है। अगर गलत दिशा में तैयारी करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, सही दिशा में तैयारी करना है, मेहनत करना है और सही दिशा में भी, ठीक है, दोनों चीज़ होना चाहिए, मेहनत जो होती है सही दिशा, गलत दिशा में भी नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या सीख मिली कि पहले हमें जो मटेरियल है, जो भी हमारे पास सामग्री है, वो कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, हमारा दिमाग, हमारी जो सहायक सामग्री है वो बेस्ट होना चाहिए, है ना, यानी दिमाग को क्या करो, दिमाग को तेज बनाओ किसी भी तरीके से। और दिमाग को तेज बनाने का क्या तरीका है, एनालिसिस, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ना और बहुत सारी नॉलेज गेन करना। दिमाग को तेज बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको वो भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे। तो दिमाग को तेज बनाओ, फिर जा कर के एग्ज़ाम की तैयारी करो, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दो, है ना। तो जब आपका जो है कि एक मजबूत हो जाए कुल्हाड़ी में, समझ जाओगे अब धार लग गई, तो यहाँ पर देखो हमें क्या चीज़ समझ में आई, जब तक कुल्हाड़ी में अच्छे से धार ना लगे ना, तब तक एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक। जब तुम्हें लगे कि हाँ आप कुल्हाड़ी में धार अच्छी लग गई है, तभी एग्ज़ाम देने जाना है। अगर जब तक धार नहीं लगी है, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं, तुम पहुँच गए एग्ज़ाम देने, तो सफलता नहीं मिलेगी, है ना। तो सफलता चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पहले अपना
एक मजबूत माइंड सेटअप बनाओ, है ना, समय के अनुसार रणनीति बनाओ, एक तुम्हें लगे कि हाँ अब हमें उचित समय है, सब कुछ हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तब जाके एग्जाम दो। अधूरा सिलेबस कंप्लीट है और चले गए एग्जाम देने, तो हालत इसके जैसे हो जाएगी कि अधूरी धार लगी है, पहुँच गए पेड़ काटने तो पेड़ कटा नहीं है। ठीक है, तो जिसको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें।